Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. What are you doing? You can't keep this here. Sharma, what are you doing? Look, 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 look. What are you doing? What are you doing? What are you doing? You're doing a bad thing. It's fun, man. It's fun. You're going to get up. How are you going to get up? Wait a minute. You have to take a bath. But Archana ji, now the stage is balanced. Ah! सही बात है क्या बात है यार आप लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे मैं सच बताऊं भगवंत मान जी और सिद्धू साहब को छोड़कर पूरा पंजाब यहां पे आया हुआ है ओह बोलदार तालियां भाई गिप्पी जी मैं आपसे ना एक बात शेयर करना चाहता हूं जस्ट ट्राइंग टू इन्फॉर्म यू कि बाहर ना आपकी गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी लगी है ये बात उनको क्यों बता रहे हो आप? थोड़ी सी जोर से लग गई है। मतलब ठोक दिया भी कह सकते हैं। इंटरनेट की जरूरत नहीं है। दो लाइटें लटक गई हैं। बम्पर जरा सा ऐसा हुआ है। लेकिन यू डोंट टेक एनी प्रेशर यार। मैं बाहर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आया हूँ। कौन सी फॉर्मेलिटीज? नहीं मैं इनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर से मार खा के आया हूँ। अब ये एफर्ट आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो बी कंफर्टेबल, रिलैक्स, एन्जॉय, कैरी ऑन, जट्टा। मैं अपना तारुफ करा दूं सर, नमस्ते। मैं दामोदर जेठ मलानी। मैं इस विश्व का पहला ऑयली वकील हूँ। ऑयली वकील क्या होता है? मतलब मैं जब केस लड़ता हूँ सामने वाले वकील का तेल निकाल देता हूँ। ऑयली कैसे कैसे निकालते बैठ के यार देखो यार यहाँ पे सभी को दिखाई दे रहा है कि मैं थोड़ा हेवी हूँ थोड़ा लेकिन फिर भी ये आदमी मुझे बहुत हल्के में लेता है अच्छी बात नहीं है सर माय नेम इज दामोदर ये काला कोट मैंने ऐसे ही नहीं पहना है सर क्यों पहना है क्योंकि मैं काले कोट में स्लिम निकलता हूँ लेकिन आप लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी की है आपने आपकी ये जो कनाडा की फ्लाइट है वो वाया मुंबई ले रहे हैं क्या अच्छा किया मुलाकात हो गई हमारी वकील साहब मेरी बात सारे पंजाबी कनाडा नहीं जाते सच में नहीं जाते नहीं मतलब पंजाब में फिर पैदा हो के पंजाब में ही रह सकते हैं रह सकते हैं रह सकते हैं रह सकते हैं कनाडा जाना कंपलसरी नहीं है मैं फालतू में ही घबरा रहा हूँ यार मैं पंजाब नहीं जा रहा ये सोच के कहीं मुझे कनाडा ना भेज दे ओ भल्ला जी कैसे हैं आप वेरी फाइन भाई आप 30-35 साल से इंडस्ट्री में हैं आपको जान के खुशी होगी कि मैं भी 30-35 साल से कोर्ट में हूँ लेकिन अब मैंने सोचा है कि एक बार कोर्ट उतार के धुलवा लेता हूँ आपको शर्म नहीं आती 30-35 साल से एक ही कोट पहना हुआ आपने शर्म नहीं आती स्मेल जरूर आती स्मेल आ जाती है वैसे गुरप्रीत जी लव यू यार क्या इनके लिए जोरदार तालियां हैं सर मैंने कहीं पे पढ़ा है कि आप नॉनवेज नहीं खाते लेकिन अंडा जरूर खाते हैं हाँ आज क्या बात है यार बस मैं खाली ये जानना चाह रहा था सर ये अंडा जो आप खाते हैं ये मुर्गी का होता है कि ये भी गुग्गी का होता है वकील साहब ये फालतू बातें करने आए हैं आप अरे यार कॉमेडी के बाप लोग यहाँ पर आए हुए हैं इनको साफ साफ पता है कि कॉमेडी फालतू बातों से ही होती है अब फालतू में पंगा ले रहे हैं ये काला कोट मैंने ऐसे ही नहीं पहना है इसमें आप स्लिम लगते हैं इसलिए पहने नहीं नहीं मैं वकील हूँ इसलिए पहना यार सब वकील स्लिम दिखने की वाली बात कहाँ से आ गई भाई स्लिम दिखना तो वो चाहेगा जो मोटा हो मैं क्यों सही क्या लेना देना और वैसे भी आपने कहा कि मैं अजीब दिखता हूँ वैसे मैं आपको बताऊं अजीब दिखना कोई बुरी बात नहीं है हर महंगी चीज अजीब दिखती है मतलब क्या बात है
नहीं नहीं मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर ये ड्रैगन फ्रूट पड़ा है ड्रैगन फ्रूट हाँ. अजीब दिखता है हाँ. महंगा है वैसे ही आप अर्चना जी को ले लीजिए वो कहाँ अजीब दिखते हैं कितनी प्यारी तो है हाँ तो महंगी भी कहाँ है नहीं चने और मूंगफली के लिए शो करती है हमारा कविता जी बड़ी प्यारी लग रही हैं आप मैंने ना कविता आज तक सुनी ही थी आज देख भी रहा हूँ कविता कोशिश है? कोशिश कोशिश नहीं कविता कौशिक नहीं नाम मुझे पता है मैं कह रहा हूँ कविता जी कोशिश अगर मैं आपसे फ्लर्ट करने की करूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना मैं बुरा नहीं मानूंगी लेकिन हो सकता है एक मेरा ना एक हवलदार है वो शायद बुरा मान जाए आपको पता ना वो शो में पुलिस वाली बनती है वो मुझे पता है हाँ हाँ अरे यार मुझे अभी याद आया उसी शो के एक बंदे ने आप पे केस भी कर दिया है कौन सा बंदा है एक बंदा वो क्या नाम है अपना मुलायम सिंह गुलगुले कीकू शारदा वो कहता है कि आपने उसे छुआ 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 गाल पे पांच उंगलियों के साथ जोर से उसको थप्पड़ कहते हैं थप्पड़ 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 वो थप्पड़ की वजह से बेचारा सूज गया आजकल मेरे जैसा दिखने लगा है वो कोई बात नहीं देखो जितने उसने थप्पड़ खाए हैं ना उतने उसने मुंबई में फ्लैट बना लिए आप कैसे जानते हैं उनके हवलदार को अरे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ मैं इस लड़के को अच्छा लड़का प्यारा लड़का है यार उनका कलाकार को कौन नहीं जानता मैं बताओ हम दोनों बहुत क्लोज हैं अच्छा मेरे घर के बिजली के बिल कभी कभी भर देता है वो हाँ मेरे बच्चों के स्कूल की फीस भी भर देता है वो कुछ दिनों पहले तो बाथरूम के आईने में मैंने देखा नहा मैं रहा था साबुन वो मुझे लगा रहा था बड़ा प्यारा बंदा है यार शर्मा वो इतना अच्छा लड़का है अपने शो में मौका दो यार उसे पहले बड़े फालतू लोग भरे पड़े स्मीप जी सब में आपका नाम समीप है कि स्मीप है स्मीप है स्मीप पंजाबी में स्मीप कहते हैं हाँ हाँ मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आपके जो टी शर्ट में यहाँ पे बटन है ना जी बहुत प्यारे बटन है मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाते जाते यहाँ से ये बटन आप मुझे देते जाएंगे खाली एक ध्यान रखिएगा कि बटन के साथ एक शर्ट भी जुड़ी हो आपको शर्म नहीं आती आप मेहमान आए उनसे कपड़े मांग रहे हैं आप यार बड़ी मुश्किल से आपके शो पे एक मेरे साइज का मेहमान आया मैं इनसे कपड़े नहीं मांगू तो मैं किससे मांगू सोनम जी से इनका लहंगा मांग के पहनू क्या मैं अरे वकील साहब एक बात आपको बोलनी भूल गया बोल देना गड़ा चलिए बहुत हो गया आपका देर से आप परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को मिस्टर शर्मा ये काला कोट किस लिए पहना है आपने ये जानने के लिए देखिए कैरी ऑन जट्टा मैं अभी चलता हूँ बहुत शुक्रिया डांस का डिमांड कर दिया इन्होंने हैं उनको सीरियसली मत लो कॉमेडी करते हो गिप्पी भाई आप जो अपने फैंस के लिए सब लोग फोटोग्राफ डालते हैं लोग नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं हमने कुछ फोटोग्राफ्स निकाली प्लीज हैव अ लुक पहली फोटो सोनम जी ने डाली है दिल मेरा पौंदा बोलियां आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं बड़े लवली पिक्चर सोनम कहाँ की है शूटिंग शूटिंग की पंजाब हाँ ओके अगर मैं खेत में काम करूं तो आप मेरे लिए रोटी लेके आ सकती हैं किसी ने रिप्लाई लिखा है तू कटोरा लेके बैठे तो ये सब्जी भी दे सकती हैं आप जैसी लड़की खेत में घुस जाए तो कोई कुछ नहीं कहता मैं घुस गया था मेरा साग निकाल लिया कृषि विशेषज्ञों ने कहा है अगर खाद पानी और धूप दिखाने से फसल अच्छी ना हो तो एक बार सोनम बाजवा दिखाकर देखें अच्छी होगी देखो तुम्हारी डिमांड कितनी है और दिखाइए गिप्पी भाई ने फोटो डाली कैरी ऑन जट्टा कैरी ऑन जट्टा थ्री बीनू भाजी भी साथ में है
लवली पिक्चर. आइए कमेंट्स देखते हैं. बीनू पाजी की दाढ़ी है तब इनको इतना प्यार आ रहा है, क्लीन शेप होते तो किसी कर लेते. गिप्पी पाजी देख अपनी क्रश को रहे हैं और फीलिंग बीनू पाजी से ले रहे हैं. शादियों में लड़के इतने प्यार से या तो सुंदर लड़की को देखते हैं या फिर बार काउंटर को. बड़े भाई की वरमाला देख के खुद की शादी इमेजिन करते हुए दो छोटे भाई. और दिखाइए, कुगी पाजी ने फोटो डाला है, तुसी चिट्ठियां पौनियां भूल गए जदों दा टेलीफोन लग गया. ओ बड़ा कमाल आवाज है. दिखाइए नीचे कमेंट्स. भाभी ने इनसे कहा अगर पीकर नहीं आए तो सीधी लाइन खींच के दिखाओ. अभी ने कहा है बच्चे का होमवर्क कर दो और सिलेबस इनकी पहुंच के बाहर है. मैगजीन में महिलाओं की फोटो पे दाढ़ी मूछ बनाते हुए. और दिखाइए, कविता ने फोटो डाला हैशटैग गौरी. इतने हैशटैग कविता क्या जरूरत थी? अरे वो वेब सीरीज वालों ने बोला हैशटैग डालने. सॉरी मैंने ऐसे, माफ कर दे मुझे. ये कमेंट्स देखते हैं. मुझे एक बात पूछनी थी, मोर खाओ खाओ करने से आता है या आओ आओ करने से? इसने रिप्लाई किया नहीं, वो मोरनी की वजह से आता है. कविता जी इतने प्यार से अगर आप मुझे बुलाती तो मैं पूरी बारात लेके आपके घर आ जाता. मेरा नाम भी मयूर है. थैंक यू मयूर. और दिखाइए, आपके यहाँ कितने खूबसूरत मोर हैं. मैं रेलवे लाइन के पास रहता हूँ, हमारे यहाँ सुबह सुबह आदमी मोर बने होते हैं. ट्रेन आते ही पंख उठा के भागते हैं. कविता जी जब आप FIR में पुलिस वाली बनती हैं तो दिल करता है मैं चोरी करूं, आप मुझे पकड़ ले, मेरे डंडे लगाती रहे लगाती रहे लगाती रहे, टू बी कंटिन्यूड. ये कोई बहुत ज्यादा ही आपका आशिक लग रहा है. आदमियों को कुछ मार खाने से कुछ फेटिश है. एक कई बार ना मैं शादी वगैरह में जाती हूँ, जैसे हमेशा दूल्हे का फादर मुझे कहते हैं मैडम मेरा थप्पड़ मार के दिखा दो. I'm like, what is this obsession कि थप्पड़ मारना? कुछ बुजुर्गों का भी अपना तरीका होता है फ्लर्ट करने का. हिसाब से करते हो. और दिखाइए. ओहो, life's like a marathon, it's not about who's the fastest. क्या बात है बीनू भाई, ये कहाँ की फोटो है बीनू भाई? तो है जी, फोटो कैरियन जटा दीजिए. कैरियन जटा. अच्छा, इसी की कैरियन. नहीं, वो पूछ रहे लिखवाया किससे था ये. मैंने मैंने लिखा है, मैंने सारी इंग्लिश की पोस्ट मैं लिखती थी लंदन. अच्छा, वाह, पायन जी की विंगी क्रेडिट थी मुझे. बिल्कुल बिल्कुल, ताड़ियां मार दो जी एक बार ये ना भाई. सारा काम करा लिया क्रेडिट. अब वो छेड़ने वाली बात भी क्लियर होगी. और 10वीं क्लास तक लड़कियों के पीछे बैठ के पास होता रहा. उसके बाद पला साहब, उसके बाद ये मिल गए. आइए नीचे कॉमेंट देखते हैं. आप तो ढिल्लो हैं ही, कुर्सी भी थोड़ी ढिल्लो है, नीचे लटक रही है. नीचे लटक रही. वो तो आज मार्केट बंद है, वरना अब तक तो ये 3-4 क्रेडिट कार्ड बेच चुके होते. रेस्टोरेंट AC के एक्स्ट्रा पैसे लगा रहा था, इसलिए इन्होंने कुर्सी बाहर लगवा ली. ये अच्छा है, मोगा का जेम्स बॉन्ड. और दिखाइए. जसविंदर पल्ला साहब ने फोटो डाली है, दो दिल वाले दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल. बोंगा ब्रदर्स गोइंग टू गोवा. अच्छा, ये फिल्म का किटी पार्टी फिल्म दी शूटिंग सी, उत्थे कुकी पाजी ते मैं गए सी, ते नेड़े नेड़े सीटां सी, अज भी साडियां नेड़े नेड़े सीटां सी. जो तुसी शूट के गए सी, जो शूट कर चले हैं, सच्ची शूट सी. अच्छा जी, अर्चना जी इशारे कर रही है, कहती पल्ला जी को बोलो हिंदी में बात करें. हिंदी में बात करें, हमारा शो परसों अंग्रेज आए थे वो हिंदी में करके गए थे. नाम क्या था बाजी अंग्रेजों का? क्रिस गिल. आई नीचे कमेंट देखते हैं. मेरा ससुराल अगर गोवा में हो तो मैं घर जमाई बन जाऊं. असल में ये लोग कैमरा ऑन करके एयर होस्टेस को देख रहे थे और फोटो खिंच गई. जसविंदर भल्ला और दही भल्ला दोनों मेरे फेवरेट है. और दिखाइए, आज समीप पाजी ने फोटो डाला है, स्पीक सॉफ्टली बट कैरी ए बिग स्टिक. है पाजी, ये भी रूप है आपका, आप तो बड़े प्यारे आदमी हो. हाँ, रहो प्यारे लेकिन ताकत जरूर रखो. बहुत अच्छे भाई, शाबाश. आइए नीचे कमेंट देखते हैं. 10 दिन में वजन कम होगा बोल के दवाई बेच दी, अभी ये लाठी लेके उसको ढूंढ रहे हैं. किसने लिखा पाजी ये लाठी है या गन्ना? उसको किसी ने रिप्लाई किया खा के देख पता चल जाएगा.
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी बकरियां जल्दी मिल जाएं। डायरेक्टर ऐसे बुलाए तो जिसका शूट ना हो वो एक्टर भी सेट पे आ जाए। अति उत्तम। और दिखाइए, सोनम ने फोटो डाला, तेनू कहना चाहने गल तुहियो ना जाने, मेरे बेवस जेहे दिल दी धड़कन ना पहचाने। सोनम जी, मैं चाहूंगा कि आप कृपया करके इसको ट्रांसलेट करके हमारे दर्शकों को बताएं। ये लिखा है कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ लेकिन मजबूर हूँ, कह नहीं पा रही और आप समझ नहीं पा रहे। अब तो कोई फायदा नहीं, शादी हो गई। मैं वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। उस किसी ने और अब शायरी लिखी, तेरे ते मरदे हैं, तेनु प्यार भी करदे हैं, घर वाली कबड्डी दी प्लेयर है इसलिए कहन तो डरदे हैं। ऐसी दर्जी हो ओहो तो मैं अपने कपड़े फाड़ फाड़ के सिलवाऊं। कोई टीढ़ आदमी है। अच्छा कुर्ता सिया तुमने मेरे नाप का, नाप लिया मेरा सिल दिया बाप का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.